जी, आज साउथर्न बीच के ऊपर हम आए हैं तो बीच का विज़िट करते हैं। आज मौसम ज़रा ठंडा है और इसकी वजह के धूप नहीं निकली हुई तो बादल हैं और थोड़ा सा टम्परेचर भी कम है। टम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और यह साउथर्न हाई स्ट्रीट की तरफ सड़क जाती है। चलें आगे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आज लगता है कि पानी जो है बीच में साहल के करीब है, तो चलो पानी के तरफ चलते हैं। आज जो पानी जो है वो साहल के करीब है, तो देखें आज इतने ज़्यादा मौसम गर्म नहीं है लेकिन फिर भी पानी साहल के करीब है और पानी का शोर देखते हैं और इतनी लहरें आज इतनी जो है वो बुलंद नहीं है आज, लेकिन फिर भी पानी जो है एक खूबसूरत मंज़र पेश करता है। चाहे आप सर्दियों में आएँ चाहे आप गर्मियों में आएँ, सर्दियों में आएंगे आप बीच में जंप नहीं करेंगे, उसमें नहाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पानी का मंज़र जो है खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ये देखेंगे, ये देखें दूर तक बादल छाए हुए हैं, काले बादल, और हो सकता है कि लेटर ऑन बारिश भी हो, लेकिन फिर भी ये मज़ा आता है क्योंकि इधर ठंडी हवा और फ्रेशनेस जो फील करते हैं आप, वो ट्रैफिक के अंदर, शोर वोगे के अंदर, शहर के अंदर आप महसूस नहीं कर सकते हैं। जी ये देखें जी, पानी जो है साहल की तरफ आ रहा है। ये देखें, ये हो सकता है कि शाम जितनी जितनी ढलती जाए तो ये पानी जो है वो कम होता जाए, लेकिन ये सर्दियों के अंदर भी विंटर के अंदर बीच के ऊपर एक अलहदा किस्म की इन्जॉयमेंट है और गर्मियों के अंदर अलहदा किस्म की इन्जॉयमेंट है। गर्मियों में आप इधर लोग शॉर्ट्स पहने पानी के अंदर नहाते हुए नज़र आते हैं, जबकि सर्दियों में साहल के ऊपर ये घूमते फिरते चक्कर लगाते नज़र आते हैं। तो ये बहुत ही शौकीन हजरात होते हैं जो सर्दियों में आते हैं। वैसे गर्मियों में तो हर कोई गर्मी से उकताया हुआ वहाँ यहाँ पर आ जाता है। तो साहल पर जो है वो एक अपना मज़ा आता है, एक अपनी उसमें होता है सूदिंग इसकी एबिलिटी होती है समंदर की। और जब यहाँ पे आप घूमते हैं फिरते हैं चलते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, रिलैक्स हो जाता है आपका जहन और आप सही इंजॉय करते हैं। ले जी ये देखें साउथ एंड ऑन सी, ये टॉयलेट्स वगैरह भी बने हैं लोगों के लिए जो विजिटर हैं उनके लिए। तो ये साइडों पे दुकानें हैं और जो दुकानें हैं ये समर में ज़्यादा खुलती हैं, सर्दियों में इतनी नहीं खुलती हैं, इसलिए क्योंकि सर्दियों में इतना इधर बिजनेस नहीं होता, तो अगर खुलती भी हैं तो 4-5 घंटों के लिए खुलती हैं फिर वो बंद कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ज़मीन के अंदर फाउंटेन्स लगे हुए हैं जहाँ पर पानी निकलता है और बच्चे यहाँ पर इंजॉय करते हैं और साथ थोड़ी सी लाइटिंग भी होती है और रंग बिरंगा पानी जब निकलता है तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये देखें जी, ये फिश एंड चिप्स शॉप है, उसके अलावा आइसक्रीम शॉप्स हैं, तो ये सारी बंद पड़ी हैं क्योंकि अभी विंटर है तो इतना बिजनेस नहीं है, तो ये अफोर्डेबिलिटी जो दुकानों वालों की भी वो कम हो जाती है। समर के अंदर ये इनका सीज़न होता है, बिजनेस होता है और उस वक्त यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन फिर भी एक साउथर्न काफ़ी पॉपुलर चीज जगह है। पॉपुलर इसलिए कि ये लंदन के करीब तरीन बीच है, यहाँ पर आप थोड़ा सा 30-40 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ पे आसानी से आ जाते हैं। सड़क की ये दूसरी तरफ देखें, थोड़ी सी दुकानें खुली हैं और ट्रैफिक भी रवा दवा है ये सड़क के ऊपर, तो मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप इधर फिज़िकली होते तो आप ज़्यादा इंजॉय करते, लेकिन वीडियो के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो आपके अंदर जो लोग एक जिनके स्टैटिक सेंस है वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये लोगों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, सिटिंग प्लेसेस हैं, और जहाँ पे आपको समर में तो कोई जगह नज़र नहीं आती बैठने के लिए, तो विंटर पे यहाँ पे है को नहीं, तो सीटें खाली पड़ी हैं। आप भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, इंजॉय करें, कॉफ़ी पिए, ड्रिंक पिए, और इट इज़ अप टू यू, बट ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा और ज़्यादा लाइटिंग नज़र आएगी तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का वीडियो का, अगर आप इधर खुद होते तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा मज़ा आता। ये थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और दुकानें कुछ खुली हुई हैं और ये लाइटिंग चल रही है इनकी, ये कुछ पब्स वगैरह हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ बाकी भी, तो ये एक बड़े ज़बरदस्त जगह, तो इंजॉय बंदा करता है।
लेकिन शाम को बच्चों के लिए देखने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है, खुली हुई है, जहाँ पे दो तीन अफराद मैं देख रहा हूँ अंदर जो चिप्स बेच रहे हैं, कॉफ़ी बेच रहे हैं। तो ये हम समंदर के साथ साथ जो सड़क है, जो पेमेंट बनी है चलने के लिए, वहाँ पे हम जा रहे हैं और अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, अब आपको यहाँ पे कुछ दुकानें सड़क के दूसरी तरफ खुली नज़र आ रही हैं। तो अब इस तरफ देखें, ये एक फ्री एडवेंचर आइलैंड है जिसका एडमिशन फ्री है, लेकिन अंदर जो झूले आप लेंगे उसके वो आपको पे करना पड़ेगा, टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो ये भी अभी बंद है, तो समर में यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, जो देखने के काबिल होती है। तो विंटर में क्योंकि इतने लोग साले समंदर का रुख नहीं करते हैं, इसीलिए वो फिर इसको बंद कर दिया जाता है अख्तियारतन। देखते हैं कुछ चीज़ें अंदर, देखें बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो ये अंदर जाएंगे, करीब जाएंगे तो फिर ज़्यादा ये इनको अगर शूट करें तो फिर वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है, लेकिन फिर हम बाहर से शूट करें तो फिर बाहर से फिर वो आपको एक धुंधली सी तस्वीर ही नज़र आती है। ये इलेक्ट्रिक इसका नाम है, और ये मेरे ख्याल से बॉलिंग क्लब है अंदर, और उसके अलावा ये कुछ पब्स बने हुए हैं, और बाकी खाने पीने की चीज़ें और खेलने के लिए जो हैं वो अंदर बने हुए हैं। दूर एक ऊंची सी बुलंद बाला इमारत है, ये होटल है कोई। तो जब भी मैं आता हूँ इसको बड़ा फैसिनेट करती है इमारत मुझे, ये बिल्डिंग, लेकिन मैं कभी यहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि ये कोई होटल है। तो जैसे दूर दराज से लोग आते हैं समर में बीच को इंजॉय करने के लिए, तो ये यहाँ पे होटल में स्टे भी कर सकते हैं। ये पियर के पास हम आ गए हैं, साउथेंड पियर के पास। तो हम ये लॉन्गेस्ट पियर है जितने भी बीचेस हैं इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे ट्रेन के ज़रिए जाया जाता है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर ट्रेन अवेलेबल है तो हम ट्रेन के ज़रिए जाते हैं। और ये फन टोपी है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, ये ओपन है इस वक्त वैसे। तो ये इसके बंद होने का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, ये अभी खुला हुआ है। तो ये है साउथेंड पियर जहाँ से हम ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। तो अंदर जाते हैं, चले देखते हैं अवेलेबल है ट्रेन या नहीं। हम अंदर उनसे पूछा है तो वो कहते हैं जी पियर बंद है। तो ये 10 बजे, 10:30 बजे सर्दियों में स्टार्ट होता है और 4 बजे लास्ट एडमिशन होता है, इसलिए ये बंद है, अब तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। रात का वक्त हो चुका है, तो अब देखें ज़्यादा लाइटिंग नज़र आ रही है, और इतनी रोशनी में जो है हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसको आप कहते हैं जी ड्रिजलिंग हो रही है। तो अब ये बहुत ही मज़ेदार मौसम हो चुका है इस वक्त। तो लेकिन ये सारे जो लोग शौकीन हजरात हैं, ये उनके लिए अच्छा मौसम है, जो वैसे अगर आप स्पेशली इंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं तो वो फिर इंजॉय के लिए नहीं, ये खुद ही आपने इंजॉय करना है इस मौसम में। तो ये देखें बारिश हो रही है इस वक्त, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो ये कैमरे पे भी बारिश पड़ रही है, तो ये देखें। लेकिन वो फन टोप इनडोर था, लेकिन ये जो एडवेंचर लैंड है ये आउटडोर है, इसलिए ये बंद होता है सर्दियों में, लेकिन फन टोपिया जो है वो सर्दियों में क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता। ये एडवेंचर जो आइसलैंड है ये बंद होता है। तो इस वक्त बारिश हो रही है और बड़ा मज़ेदार मौसम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, और अंधेरे की वजह से जो दुकानों की जो देखें, ये जो पब्स हैं और दूसरे जितने भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बॉलिंग क्लब ये वो, अब इनकी रोशनी ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। यानी बारिश हो रही है और अंधेरा छा चुका है, लेकिन फिर भी अब तो पानी ये किनारों पे काफ़ी नीचे चला गया, तो अब ड्राई हैं। तो जब हम आए थे उस वक्त ये पानी जो है ये काफ़ी ऊपर था, तो अब ये काफ़ी नीचे जा चुका है।
लेकिन फिर भी एक खूबसूरत मंज़र है, तो इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, जा रहा हूँ मैं कि पानी अब कहाँ पर पहुँचा, तो अब तो पानी काफ़ी नीचे जा चुका है, तो लेकिन ये कि थोड़ा सा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब दूर वो आगे पियर की लाइटें नज़र आ रही हैं, तो ले जी ये देखें दूर लाइटें नज़र आ रही हैं पियर में, तो पानी जो है काफ़ी नीचे जा चुका है। तो ये मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ पानी के अंदर की तरफ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, आप भी इंजॉय करें। ये देखें हल्की हल्की लहरें पानी की जो बाहर की तरफ आ रही हैं। अब काफ़ी रात हो चुकी है, काफ़ी रात कम तरह के अंधेरा छा चुका है इधर, तो जब हम आए थे उस वक्त रोशनी थी, अब मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया, तो लेकिन बारिश भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। तो वीडियो का अख्तिताम भी करते हैं, चलें जी आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब के लिए बाय बाय, सी यू।